दोस्तों, एक तरफ ऐसी नौबत है कि पूर्व पीएम इमरान खान की गिरफ्तारी हो रही है तो दूसरी तरफ भारत भी इस मौके का लाभ उठाना चाहता है और भारत ने अपना विमान पाकिस्तान में लैंड करा दिया है। और क्यों करा दिया है और क्या कुछ चल रहा है, इस बारे में विस्तार से जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, आपको याद ही होगा हाल ही में तुर्की में जिस तरह से भूकंप आया और उसके बाद तुर्की ने स्थिति का सामना किया, ऐसे में भारत ने तुर्की की काफी ज्यादा मदद की थी और ऐसे में भारत की तरफ से कई सारी मेडिकल इक्विपमेंट्स, दवाइयां और तरह तरह की जरूरी चीजें प्लेन द्वारा तुर्की भेजी गई थी। और उसी दौरान तुर्की को जब भारत मदद भेज रहा था तब भारत ने एयर स्पेस इस्तेमाल करने की बात कही थी, लेकिन पाकिस्तान ने इसके लिए भारत को साफ साफ मना कर दिया था और आखिरकार पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस नहीं दिया था। ऐसे में भारत को रूट बदलकर दूसरे रास्ते से जाना पड़ा था। पर इन दिनों कई बार यह देखने को मिला है जिसको लेकर पाकिस्तान में भी सवाल उठ रहे हैं कि भारतीय प्लेन अचानक से उतर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और इस बार फिर से यह इंडिगो फ्लाइट के साथ हुआ है जो हाल ही में दिल्ली से दोहा जा रही थी और इस प्लेन को कराची में उतरना पड़ा। वैसे कहा जा रहा है कि जुलाई 2019 के बाद पाकिस्तान ने सिविलियन फ्लाइट के लिए अपने एयर स्पेस को खोल दिया है और इंडिगो की फ्लाइट में 163 पैसेंजर थे जो दोहा जा रहे थे और इन पैसेंजर्स में एक 60 साल का आदमी भी सवार था जो कि नाइजीरियन था और उसे अचानक दिक्कत होने लगी जिसकी वजह से इंडिगो की इस फ्लाइट को पाकिस्तान के अंदर उतारा गया। हालांकि और ज्यादा डिटेल इसके बारे में अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि एक मेडिकल इमरजेंसी थी जिसकी वजह से इस प्लेन को कराची में लैंड करवाना पड़ा। हालांकि प्लेन लैंड करवाने के बावजूद भी उस पैसेंजर को बचाया नहीं जा सका और एयरपोर्ट पर ही उस पैसेंजर की मौत हो गई। वैसे जिस तरीके का हालात है पाकिस्तान में इस वक्त, ऐसे में भारतीय प्लेन का वहां उतरना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि एक तरफ जहां पुलिस पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी में लगी है जिस वजह से पाकिस्तान में हर तरफ हड़कंप मचा है और जगह जगह पर इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ रैलियां हो रही है। ऐसे में पाकिस्तान के हालात इस वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके अलावा पहले से ही पाकिस्तान मंदी की मार झेल रहा है और इस वजह से पाकिस्तान के लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है। दोस्तों, आपको बता दें कि इमरान खान को अरेस्ट करने के लिए पुलिस का हेलीकॉप्टर इमरान खान के लाहौर वाले घर पर पहुंचा था जहां उन्हें पता चला कि इमरान खान वहां नहीं है। ऐसे में कहा जा रहा है कि इमरान खान बंकर में छुपे हैं जबकि पाकिस्तान की पुलिस इमरान खान के घर पर बैठकर उनका इंतजार कर रही है ताकि उनको अरेस्ट किया जा सके, क्योंकि उनके खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। आपको बता दें कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इमरान खान ने एक जज को धमका दिया था जिसके बाद इस्लामाबाद पुलिस पहले भी इनको अरेस्ट करने गई थी, लेकिन जिस तरह से इनके समर्थकों ने वहां प्रोटेस्ट करना चालू किया तो पुलिस को वहां से वापस जाना पड़ा क्योंकि पुलिस को प्रोटेस्ट का डर था। ऐसे में पुलिस अब बड़ी फोर्स लेकर इमरान खान को पकड़ने के लिए निकली है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि इस समय पाकिस्तान में क्या हालात चल रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के इन हालातों के दौरान क्या भारत को अपना प्लेन वहां पर लैंड करवाना चाहिए था या नहीं, इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, भारत का जो सपना था कि वह डॉलर को रुपए से रिप्लेस करेगा, वह सपना अब लगभग साकार होते दिख रहा है, क्योंकि अमेरिका में जिस तरह से कंगाली छाई है वहां हर दिन दो बैंक कंगाल होते दिख रहे हैं। अब साफ साफ दिख रहा है कि डॉलर भारतीय रुपए के सामने कमजोर होगा और कुछ ही महीनों में हो सकता है कि रुपया डॉलर को पूरी तरह से रिप्लेस करके ग्लोबल करेंसी बन सकता है। भारत के पास एक सुनहरा मौका है, लेकिन अब आपको डिटेल में बताते हैं अमेरिका से कैसे 620 बिलियन डॉलर रातों रात गायब हो चुके हैं बैंकों से और बैंकों का विलय होना शुरू हो गया है। अभी तक तकरीबन 6 बैंक कंगाल हो चुके हैं और आपको थोड़ा सा डिटेल में और बताते हैं। दोस्तों, अमेरिका अभी ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती में गर्माहट आने के गम से नहीं निकला था कि उसका सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स हो गया है। और अब यह बात सिर्फ सिलिकॉन वैली बैंक तक ही नहीं रुकी, बल्कि सिलिकॉन वैली बैंक के बाद कैपिटल कोर और सिग्नेचर बैंक भी बंद हो चुके हैं। कुल मिलाकर देखें तो चीजें 2008 वाली मंदी की तरफ जा रही है, क्योंकि साल 2008 में भी इसी तरह से लेमन ब्रदर्स नाम के फाइनेंशियल फर्म के कोलैप्स होने के बाद पहले अमेरिका और उसके बाद पूरी दुनिया में मंदी का दौर आ गया था।
और वो रिसेशन अमेरिका के लिए केवल इकोनॉमिक फ्रंट का चैलेंज नहीं था बल्कि 2008 के रिसेशन के बाद काफी बड़े चैलेंज देखने को मिले थे। इसी रिसेशन के बाद अमेरिका का डिक्लाइन और चाइना का राइज शुरू हुआ था। रिसेशन हमेशा से वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज कर देती है। ऐसे में अगर सिलिकॉन वैली का मामला किसी ग्लोबल रिसेशन का रूप लेता है तो वर्ल्ड ऑर्डर में फिर से उलटफेर हो सकते हैं। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आखिर बैंक्स क्यों कोलैप्स होते हैं, तो आपको बता दें कि ये बैंक लोगों से डिपॉजिट लेते हैं और उसे निवेशकों को ब्याज पर देकर मुनाफा कमाते हैं। बैंक ये मानकर चलता है कि सारे डिपॉजिटर एक ही बार में आकर अपना डिपॉजिट नहीं मांगेंगे, लेकिन जब डिपॉजिटर को यह संदेह हो जाता है कि बैंक सही से काम नहीं कर रहा और बैठने वाला है, तो यह सारे डिपॉजिटर बैंक में एक ही बार जाकर अपने पैसे मांगने लगते हैं और इससे बैंक कोलैप्स हो जाता है। इस सिचुएशन से बचने के लिए देशों के सेंट्रल बैंक्स और कमर्शियल बैंक डिपॉजिट पैसों का इंश्योरेंस करती है, जिससे डिपॉजिटर के पैसे डूबने का डर कम हो जाता है और सारे डिपॉजिटर एक ही बार में बैंक के पास पैसा लेने भी नहीं पहुंचते। इससे बैंक कोलैप्स होने से बच जाता है। अगर हम सिलिकॉन वैली बैंक की बात करें तो यह स्टार्टअप और टेक कंपनीज को पैसा देती है और उन्हीं का डिपॉजिट लेती है, लेकिन पिछले कुछ समय से स्टार्टअप और टेक कंपनियों की ग्रोथ रुकी हुई है और उन्हें उतना मुनाफा नहीं हो रहा है। ऐसे में टेक कंपनी और स्टार्टअप अपना पैसा लेने के लिए एक ही बार में सिलिकॉन वैली बैंक पहुंच गए, जिससे बैंक डूब गया। सिलिकॉन वैली के बाद अमेरिका के बैंक के डूबने का सिलसिला रुक नहीं रहा और यह बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा कि कब एक नए बैंक के डूबने की खबर सामने आ जाए। बैंक के डूबने को ही फाइनेंशियल क्राइसिस भी कहते हैं और यही फाइनेंशियल क्राइसिस रिसेशन का कारण बनता है, और फाइनेंशियल क्राइसिस को इसलिए एक गंभीर संकट के रूप में देखा जाता है। वहीं अमेरिका के बैंक रेगुलेटर एफबीआई ने सिलिकॉन वैली बैंक के निवेशकों के इंटरेस्ट सर्व करने के लिए एक नया बैंक बनाकर उसमें सिलिकॉन वैली बैंक का सारा पैसा डाल दिया। इससे सिलिकॉन वैली बैंक के डिपॉजिट को तो पैसा मिल जाएगा, लेकिन एक के बाद एक डूबने का सिलसिला शायद नहीं रुकेगा और यह फाइनेंशियल क्राइसिस अमेरिका को एक गंभीर संकट की ओर धकेल सकता है। ऐसे में अब अनुमान लगाया जा रहा है कि अमेरिका को $620 बिलियन का नुकसान झेलना पड़ सकता है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका इस संकट से अपने आप को कैसे बचाता है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।